students, welcome you all on our officially YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Our today's video lecture number 1 for class 8, chapter 1, crop production and its management. First of all, agriculture. What do you mean by agriculture? The practice of growing plants and rearing animals for food, fiber and other useful product is called agriculture. Agriculture का मतलब क्या होता है कि plants को grow करना अपनी food के लिए, fiber के लिए या कोई भी other useful products के लिए हम plants को grow करते हैं और साथ ही साथ animals को पालना क्योंकि जो हमें फूड है वो एनिमल्स से भी मिलता है और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही हम यूज़ करते हैं अपने फूड में तो हम उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं कृषि करना. नेक्स्ट वन इज क्रॉप. व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड्स लाइक सीरियल्स वीट राइस एंड मेज पल्सिस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड क्रॉप. क्रॉप का मतलब क्या है, एक ही फील्ड के अंदर काफ़ी लार्ज एरिया में एक ही प्लांट को ग्रो करना, एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो करना वो हमारा क्रॉप कहलाती है. जैसे कि एक फील्ड है तो उसके अंदर हमारे सभी वीट प्लांट ही होने चाहिए. व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, जब हम एक ही तरह के प्लांट्स किसी लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं. जैसे कि वीट राइस मेज पल्सिस फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ क्रॉप. क्रॉप्स की टाइप्स हमारे पास कितनी होती है, जैसे कि बेसिकली हम बोलते हैं सीरियल्स. सीरियल्स के अंदर हमारे आते हैं अनाज, जैसे कि वीट पैडी राइस मेज एक्सेट्रा. पल्सिस जो दालें वगैरह होती हैं. उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स. ये हमारे कुछ टाइप्स हैं क्रॉप के. लेकिन क्रॉप्स को हम सीजन के बेस पर भी डिवाइड करते हैं. सीजन बेस्ड ऑन द सीजन दे आर ऑफ टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ क्रॉप? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, जो क्रॉप्स हमारी रेनी सीजन्स में उगाई जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, काटी कब जाती हैं, हार्वेस्ट करते हैं हम उनको एट द एंड ऑफ द मॉनसून. जब मॉनसून हमारा ख़त्म होता है तब हम उनको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं और ग्रो करते हैं इन द बिगनिंग ऑफ द मानसून रेनी सीजन्स जून टू जुलाई और हार्वेस्टेड इन द एंड ऑफ द मानसून सेप्टेम्बर टू अक्टूबर. एंड एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी मेज मिलेट्स सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन एक्सेट्रा. बिकॉज these crops need more water for irrigation, that's why we grow in the rainy season and they are also called summer crops. aur inko hum summer crops bhi bolte hain. next one is rabi crops. what do you mean by rabi crops? the crops which are grown in the winter season, jin crops ko hum winter mein ugate hain un crops ko hum rabi crops bolte hain. jaise ki वीट गेहूं ग्रैम पीज मस्टर्ड लिनसिड एक्सेट्रा, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स एंड हार्वेस्टेड इन द मार्च एंड अप्रैल. और हार्वेस्ट कब करते हैं हम इनको, मार्च से लेकर अप्रैल तक. अब जो फार्मर्स हैं वो वेरियस टास्क फॉलो करते हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए. तो वेरियस टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर टू ग्रो ए गुड क्रॉप इज कॉल्ड बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. जो जो टास्क परफॉर्म करते हैं उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सोइल, क्रॉप को ग्रो करने के लिए पहले हमें सोइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद सोइंग, बीज को उगाना, एडिंग मैन्योर एंड अ फर्टिलाइज़र, खाद मिलाना उसके अंदर, इरिगेशन, सिंचाई करना, रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करना, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन. दे आर ऑल द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर टू ग्रो ए क्रॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सोइल. सोइल को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं बीज को उगाने के लिए. सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लफिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग. प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर हमारे 3 स्टेप्स हैं. पहले हम सोइल को प्लफिंग करेंगे, लूज करेंगे उसको, देन लेवल करेंगे और उसके अंदर मैन्योर ऐड करेंगे. प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड प्लफिंग और टिलिंग. सोइल को लूज करने के प्रोसेस को और टर्न करने के प्रोसेस को हम प्लफिंग बोलते हैं, और प्लफिंग का ही दूसरा नाम है हमारे पास टिलिंग. और इसको हम करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इम्प्लीमेंट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं प्लफ, हल. इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है जो फार्मर है वो प्लफिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, एंड दिस इज अवर प्लफ. प्लफिंग प्रोवाइड्स एरेशन टू द सोइल विच हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द प्लफ. प्लफिंग से क्या होगा कि जो सोइल है हमारी वो लूज हो जाएगी, और जो भी हम प्लांट ग्रो करेंगे उसकी रूट्स इजीली पेनिट्रेट हो जाएंगी सोइल के अंदर, ताकि वो रूट्स ज़्यादा नीचे तक जा सके और उनको सोइल को फर्मली हेल्ड कर सके. और एरेशन प्रोवाइड सोइल विच हेल्प द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द प्लफ. और प्लफिंग से ही जो क्रॉप है हमारी वो इजीली एयर ले सकती है. अब जो हमारी प्लफिंग की हुई सोइल है, प्लफ करने के बाद मिट्टी के छोटे छोटे क्रम्स बन जाते हैं सोइल के अंदर, तो उनको लेवल करना भी ज़रूरी होता है. एक आयरन का बड़ा सा प्लैंक होता है जिसके थ्रू हम जो सोइल है हमारी प्लफ सोइल उसको लेवल करते हैं, और उसको हम लेवलर बोलते हैं. प्लफ सोइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन और आयरन लेवलर. वुडन या फिर आयरन लेवलर से हम उसको लेवल करते हैं, जैसे ये लेवलर दिखाई दे रहा आपको, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. सो दैट द टॉप सोइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर. लेवलिंग करने से क्या होगा कि जो हमारी टॉप सोइल है वो जो एयर होती है हमारी उस वो ब्लो नहीं कर पाती, वो अपने साथ नहीं उड़ा सकती उसको, और जो वाटर है वो वाटर के साथ भी नहीं बह सकती. इससे हमारा जो सोइल इरोजन है वो नहीं होता है. सो लेवलिंग ऑफ द सोइल प्रिवेंट्स सोइल इरोजन. नेक्स्ट स्टेप इज मैन्योरिंग. मैन्योरिंग खाद ऐड करना सोइल के अंदर. मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू द सोइल. बीज जो सोइंग करते हैं, हम बीज उगाते हैं, उससे पहले हम मैन्योर भी ऐड करते हैं खाद. इट इज़ डन टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल बिफोर सीड्स आर सोन इन इट. सीड्स को उगाने से पहले हम उसके अंदर मैन्योर ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी सोइल है उसकी फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो सके. मैन्योर कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स. मैन्योर के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं. और मैन्योर एड्स ह्यूमस टू द सोइल, और सोइल के अंदर ह्यूमस भी ऐड करती है मैन्योर. दिस इज द इमेज ऑफ प्लफ, हल. इट इज़ अ लॉन्ग वुडन और आयरन स्टिप कॉल्ड प्लफ शाफ्ट. हेयर इज अ हैंडल एंड फार्मर होल्ड दिस हैंडल. दिस इज अ वुडन बीम. ये जो वुडन बीम है ये ओक्स या बफेलो
जो भी एनिमल्स कैरी करते हैं इसको, उनकी बैक पर रखा जाता है इसको, वुडन बीम प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ द बुलक्स, और जो हैंडल है वो फार्मर हेल्ड करते हैं इसको। एंड द प्लफ शेयर, और जो ये प्लफ शेयर पार्ट है ट्राइंगुलर शेप में, ये सोयल के अंदर होता है, सोयल को डिगिंग करते हुए चलता है, खोदता हुआ और लूज करता है सोयल को, और हेल्प इन प्लफिंग ऑफ द सोयल। जो प्लफ है हमारा वो यूज़ होता है प्लफिंग करने के लिए, सोयल को लूज करने के लिए। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट इज होर, इट इज ऑल्सो कैरीड बाय द एनिमल्स। दिस बीम पार्ट इज पुट ऑन द एनिमल्स लाइक बुलक्स, ये जो बीम पार्ट है ये हम एनिमल्स के ऊपर रखते हैं और वो उसको कैरी करते हैं। दिस ग्रिप और हैंडल इज होल्ड बाय द फार्मर, इसको फार्मर्स होल्ड करते हैं। एंड दिस बेंट प्लेट, ये जो बेंट प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये सोयल के अंदर जाती है और सोयल को लूज करती है, हमारी हेल्प करती है प्लफिंग में। और हो का जो यूज़ है वो प्लफिंग के साथ साथ वीड्स को भी रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ऑल्सो यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ वीड्स, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप की ग्रोथ को कम्पीट करते हैं, उनको रिमूव करने के लिए सोयल से हो का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द इमेज ऑफ कल्टिवेटर, कल्टिवेटर इज़ यूज्ड ऑल्सो इन द प्लफिंग, बट कल्टिवेटर इज नॉट ड्रॉन बाय द एनिमल्स, इट इज ड्रॉन बाय द विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो कल्टिवेटर है इसका यूज़ करते हैं हम ट्रैक्टर के साथ, और इससे जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर, ये सोयल को लूज करते हैं, जो हमारी सोयल होती है उसकी उसको लूज करते हैं, टर्न करते हैं। इट सेव्स, इट इज द मॉडर्न इम्प्लीमेंट दैट इज यूज इन द प्लफिंग, हो एंड प्लफ आर द ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट दैट आर यूज इन द प्लफिंग। इट सेव्स टाइम एंड लेबर, कल्टीवेटर का यूज़ करने से हमारा टाइम भी बचता है और साथ साथ में लेबर भी बचती है, क्योंकि ट्रैक्टर की हेल्प से हम जल्दी ही काफ़ी बड़ा एरिया जो होता है हमारा फील्ड का, उसको जल्दी ही जोत सकते हैं, जल्दी प्लफ कर सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी हम प्लफ की हेल्प से नहीं कर सकते हल्की हेल्प से, और साथ ही साथ लेबर भी बचती है हमारी जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, जैसे प्लफ जो होता है उसके साथ साथ एनिमल्स के साथ साथ फार्मर को भी साथ लगना पड़ता है, लेकिन कल्टीवेटर में जो ह्यूमन बीइंग है खुद ही कम टाइम में पूरे बड़े फील्ड को कम ही टाइम में उसको प्लफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आग से सोइंग, सोइंग मीन्स बीज को उगाना। प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स और पुटिंग सीड्स इन द सोइल इज कॉल्ड सोइंग, सीड्स को बिखेरना फील्ड के अंदर या फिर डालना उसको हम सोइंग बोलते हैं, बीज को उगाना। लेकिन बिफोर द सोइंग सीड्स वी हैव टू चूज गुड क्वालिटी सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स आर चूजन बाय एन एक्टिविटी, टेक एन हैंडफुल ऑफ सीड्स एंड पुट इन द कंटेनर कंटेनिंग वाटर। कुछ सीड्स हमें लेने हैं और उसको हमें बीकर में डाल देना है हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करने के लिए, विच आर हेल्दी सीड्स। तो आप कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि कुछ सीड्स जो हैं हमारे सिंक हो गए हैं, नीचे पानी के अंदर डूब गए हैं, लेकिन कुछ सीड्स हमारे फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। द सीड्स विच सिंक इन द वॉटर आर कॉल्ड हेल्दी सीड्स, जो सीड्स पानी में नीचे डूब जाते हैं उनको हम हेल्दी सीड्स बोलते हैं, और जो ऊपर फ्लोट करते हैं वो डैमेज सीड्स होते हैं हमारे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जो डैमेज सीड्स हैं हमारे वो होलो होते हैं, आइदर इट इज इटन बाय द पेस्ट। तो जो डैमेज सीड्स हैं हमारे, जो हल्के हैं, लाइट हैं, होलो हैं, अंदर से खोखले हैं, वो पानी में ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, और जो हेल्दी सीड्स हैं हमारे वो पानी में
डूब जाएंगे। इससे हम गुड क्वालिटी सीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं सोइंग करने के लिए। मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, अब सीड्स को भी हम दो तरीके से उगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथों से उगा सकते हैं, या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से, बट सीड ड्रिल इज द गुड इम्प्लीमेंट। सोइंग ऑफ सीड्स बाय द हैंड या मैन्युअली हम उगाते हैं जब सीड्स को, तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, एक एक सीड्स को हमें फरोज के बीच में लगाना पड़ता है पूरे खेत के अंदर, तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और जो सीड्स हैं वो हो सकता है ज़्यादा एक ही जगह पर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, या फिर सोयल की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें ही रह जाते हैं हमारे सीड्स। तो अगर सोयल में ऊपर ही रह जाते हैं सीड्स, तो उनको जो पेस्ट होते हैं या फिर जो बर्ड्स होते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पूरे फील्ड के अंदर अगर हम सीड उगाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम जो हमारा कंज्यूम होगा। उसके बाद है हमारा सीड ड्रिल, एक इम्प्लीमेंट है जिससे हम सीड ड्रिल कर सीड्स जो है वो उगाते हैं, उसका नाम है सीड ड्रिल, सोइंग ऑफ सीड्स बाय द सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल की इमेज है, यहाँ ऊपर से हम सीड डालते हैं, पाइप्स के अंदर जो है ये सीड आते हैं नीचे सोइल के अंदर, और जो ये कल्टीवेटर है ये फरोज बनाएगा, और उन फरोज के अंदर इक्वल डेप्थ पर और इक्वल इंटरवल पर हमारे सीड्स जो हैं वो डाले जाएंगे। अब जो अगर हम हाथों से सीड्स जो डाल रहे थे खेतों में, उसमें हमारा ना तो वो इक्वल स्पेस था और ना ही इक्वल डेप्थ थी, लेकिन सीड ड्रिल की हेल्प से हम इक्वल इंटरवल या इक्वल डेप्थ पर सीड ग्रो कर सकते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड्स विद द सीड ड्रिल, जो सीड्स होंगे हमारे वो इक्वल डेप्थ पर होंगे, ठीक है, जो पेस्ट हैं या बर्ड्स हैं हमारे वो सीड्स को नहीं खा पाएंगे, और इक्वल डेप्थ होगी उनकी, ना तो ज़्यादा गहराई में होंगे वो और ना ही ज़्यादा ऊपर होंगे। तो कुछ प्रिकॉशंस है हमारी, प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग सीड्स, द सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, द सोयल सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन, जो सीड्स हैं हमारे वो राइट डेप्थ पर होंगे। और राइट डेप्थ क्यों ज़रूरी है उनके लिए, अगर सीड्स हमारे ज़्यादा गहराई में उगाए हैं तो वो सोयल से एयर नहीं ले पाएंगे, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे अगर उनको सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगी। और अगर वो ज़्यादा ऊपर हैं तो वो या तो फ्लो हो सकते हैं वाटर की हेल्प से, या हवा जब चलती है विंड होती है तो वो उड़ भी सकते हैं, या फिर बर्ड उनको खा जाते हैं। इसलिए हमारी राइट डेप्थ ज़रूरी है सीड्स को ग्रो करने के लिए। द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट इंटरवल और स्पेसिंग, और जो सीड्स ग्रो करते हैं हम उनके लिए राइट इंटरवल होना चाहिए, राइट स्पेस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सीड्स को एक ही जगह पर ज़्यादा डाल दिया तो वो दूसरे प्लांट्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा ग्रो करने के लिए, और सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, सोइल से न्यूट्रिएंट या वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे एक ही स्पेस पर ज़्यादा होंगे तो। और अगर ज़्यादा दूर दूर होंगे सीड्स हमारे तो फील्ड जो है हमारा बाकी का वो खराब होगा, स्पेस जो है वो बच जाएगा काफ़ी सारा। द सीड शुड नॉट बी सोन इन द ड्राई सोयल, ड्राई सोयल के अंदर भी नहीं सोन करने चाहिए, नहीं उगाने चाहिए हमें, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा ड्राई सोयल होगी मॉइस्चर नहीं मिलेगा सीड्स को ग्रो करने के लिए और वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। द सीड शुड नॉट बी सोन इन द हाईली वेट सोयल, और ज़्यादा वेट सोयल के अंदर भी हमें सीड्स को ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सूखने के बाद बिल्कुल जो जम जाएगी सोयल तो वो इजीली एयर नहीं ले पाएंगे अपनी ग्रोथ के लिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द टुडेज वीडियो लेक्चर, थैंक यू अगेन।